तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा की देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन के एक बार फिर तो राम राम भाई। फिलहाल शिव शक्ति अनाथ आश्रम के अंदर बैठे हैं। ये जो शख्सियत जो अंकल जी साथ बैठे हैं मेरे, इनका नाम है डॉक्टर नरेश। इनका क्लिनिक था, उसके बाद जो है बच्चों ने जो है मारपीट करके घर से निकाल दिया झगड़ा करके। और आज जो डॉक्टर था वो आज यहाँ इतनी मतलब जर्जर हालत हो गई कि आश्रम में आकर रहने की जरूरत पड़ी है भाई। तो यह पूरी कहानी की थी, वह पूछांगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, आपका पहले तो ये बताओ क्लिनिक कहाँ था? ये पानीपत का जो बस स्टैंड है ना, ये हाथी का जो बस स्टैंड है, इसकी बैक साइड में था वो ये कमल उतार देना पर डायमंड फैक्ट्री के पास जी। डायमंड वो है 80 बस स्टैंड के नजदीक था आपका। अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हो? रहने वाला तो पैदाइशी तो मैं डिस्ट्रिक्ट रोहतक का हूँ। अच्छा, अभी कहाँ रहा करते? अभी तो यही हाउसिंग बोर्ड में कोठी है मेरी। हाँ, आसी के अंदर। हाँ, आसी में ही। अच्छा, कितने बच्चे आपके पास हैं? दो लड़के हैं जी। दो लड़के। शादीशुदा दोनों? ना, दोनों कुंवारे हैं। फिर मारपीट झगड़ा किस बात पर शुरू होया? वो एक एक दिन क्या था कि मेरी दुकान थी, 26 साल से मैंने रखी थी दुकान जो बस स्टैंड के पीछे वाली। जी। तो मेरा दुकान मालिक से लेना देना था और मेरी तबीयत रहने लगी खराब है, मार हो गया था मैं। अच्छा। तो मेरा बेटा कहने लगा, बोले पापा अब आपसे ये पैड़ी उतरतरी चढ़ी नहीं जाती जी। क्योंकि ऊपर है क्लिनिक, आप छोड़ दो इसको। तो मैंने उससे दुकान मालिक से बात करी, मैं कहा भाई मेरा जो हिसाब किताब है वो कर दे, मेरा एडवांस जो बचता है मेरे को वापस दे दे। तो मेरा 55 हज़ार बचता था, उसने 55 हज़ार रुपये मुझे दे दिए। और बोला अपने बेटे को बुला ले, हम 10 तक उसके भी लेंगे। जी। तो मेरे बेटे को मैंने फ़ोन कर दिया, वो भी आ गया। उसकी छोटे की क्लिनिक है, छोटे का यहाँ वो है सौगात कंप्यूटर चौपटे में, अच्छा वो लैपटॉप सेल करता है और असेंबल करता है। अच्छा तो वो आ गया। मैंने उसको कहा, मैं कहा बेटा ये 55 हज़ार रुपये ये दे रहे हैं अंकल तेरे, और ये अभी मैं फ़ोन कर दूँ तो ले ले जाइए तू। ये ना हो मैं घर जाऊँ, 3 व्हीलर में कहीं गिर जाऊँ, मैं घर का रहूँ ना घाट का रहूँ। जी। वो बोला पापा मुझे शर्म आती है आपसे दुकान के पैसे लेते हुए, पर फिर भी आप फ़ोन करोगे तो मैं आ जाऊँगा। जी। तो मैंने फिर उसको 10-15 मिनट के बाद मैंने फ़ोन कर दिया। वो पुराने बस अड्डे पर हंसी में आ गया, वहीं बरसी गेट के बाहर। मैंने उसको 55 हज़ार रुपये पकड़ा दिए। मैं कहा ये ले भाई बेटा, 55 हज़ार रुपये आए हैं। मतलब पापा यहाँ किसी के लेने देने हो तो वो रख लो कुछ। मैं कहा बेटा यहाँ चाय चूहे वाले के देने हैं या जूते जाते वाले के 2-2.5 हज़ार रुपये देने हैं। जी। बोले आप ये लो 3 हज़ार रुपये, जिसके भी देने हैं ना उधार किसी की मत रखो। अच्छा। हाँ, तो बोला इनका हिसाब किताब करके जब जब आ जाना आप। तो मैं उनकी पेमेंट करके चाय चूहे वाले की सारा की फिर मैं घर जाने लगा। तो मेरे यार दोस्त कहने लगे, बोला डॉक्टर साहब अब तो के बाद पता नहीं कब मिलोगे ना मिलोगे आप, आज रोटी हमारे साथ खा लो। तो मैं उस एक दोस्त के कमरे पर चला गया, वहाँ मैं रोटी खा के ना वहीं सो गया। अच्छा। तो सुबह सवेरे में 7-8 बजे पानी का टाइम होता है, पानी सप्लाई आया करती, तो 7-8 बजे मैं अपनी कोठी पे गया हाउसिंग बोर्ड में। मैं कहा चल पानी पुनी लगाया हूँ, लाइट थी नहीं, मैंने अपने अंदर जाके अपने मोटर निकाली और बाहर लगाई थी। इतने मेरा बड़ा बेटा जाग गया जी। वो जाग गया तो मैं बेटा मैं बोला पापा क्या कर रहे हो? मैं कहा बेटा मैं मोटर लगा रहा हूँ। तो मैं ये क्या कि मैं अपने बेड पे जाके लेट गया। वो पता क्या करने लगा मेरे को, कहता पापा आज तो आपने सवेरे पी रखी है। मैं कहना ना बेटा मैं सवेरे तक कभी, ये पता है मैं ज़िंदगी में कभी पी नहीं, सवेरे तो पीता भी नहीं, मैं शाम को पीता हूँ पाई आज पा जो भी पीता हूँ, और ना मैं किसी को बोलता ना ड्रिंक करते आप है? ड्रिंक करते थे आप? हाँ, मतलब कभी कर भी ली, यह रोज भी नहीं था, मतलब शौकीन नहीं, यूँ नहीं था भाई, आपको आदत हो। हाँ, इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, बस ये था। मना भी नहीं थी, कभी कभार ले भी लेता। फिर झगड़ा इस बस ड्रिंक को लेके हुआ? हाँ, तो कह लगे ना भाई ड्रिंक करके मैं नाट गया। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो। उसने गुस्से में आके ना, वो उस टाइम MD यूनिवर्सिटी रोहतक पढ़ा करता है। अच्छा। और वो डिस्टर्ब था दिमाग से कुछ। अच्छा। हाँ, तो उसने चप्पल निकाल कर मेरे मुंह पे मार दी, चप्पल उतार के मारी आपको? हाँ। फिर छोटे बेटे ने कहा, बोला जब पापा तेरे को कुछ कह ही नहीं रहे, मैं भी कह रहा हूँ कि सवेरे नहीं पीते कभी भी, ना पी के आए हुए तेरे को वैसे समय लगी होगी, रात को पी होगी, रोटी नहीं खाई होगी, तो
फिर उस उनकी आपस में उन्होंने छोटे बेटे ने बड़े बेटे को उठा के ना उस पर दीवान पे फेंक दिया। बड़ा लड़का क्या करता है? वो कर्नाटक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, इंजीनियर है। हाँ, इंग्लैंड की कोई कंपनी है, बेंगलोर में है, सर्विस करता है वो। छोटा लड़का ना बड़ा लड़का उठा कर फेंक दिया आपका? हाँ, तो जिस तरह दीवान होता है ना साथ में ड्राइंग रूम में, हाँ तो वो बस यो करके दीवान पे डाल दे, बोला पापा को कुछ नहीं कहना जी। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा अभी तो गलत काम हो गया, मैं कहा छोटा बड़े को मार रहा है, बड़ा तेरे को मार रहा है। मैं कहा घर में तीन तो हम मेंबर हैं, चार, मैं कहा आपस में लड़ेंगे तो कब तक चलेगा यो। और आपकी वाइफ? मेरी वाइफ तो इसमें SD मॉडर्न स्कूल में लाइब्रेरियन है। अच्छा जी। सीमा डावर के नाम से। अच्छा अच्छा। तो वो उस टाइम थी नहीं, क्योंकि 7 बजे का टाइम था, वो 7 बजे उसने 7:30 बजे स्कूल लग जाता था जी। तो वो थी नहीं, उसको दिन में पता चला कि भाई इस तरह बड़े ने मार दिया। फिर बड़े को उसने कहा भी एक भाई के ये गलत बात है तेरी, सुबेरे सुबेरे क्यों लड़ता है, जब ये बोल ही नहीं रहे तेरे से, और सुबेरे का तो मतलब ही नहीं है इनका, क्योंकि कभी ये पीते भी नहीं सुबेरे तो जी, ये तो शाम को कभी पी ली और पी के खाना खा सो जाते हैं अपना जी। तो ना ये करना नहीं चाहिए था बस। वो बड़ा बेटा कहता है ये पापा ये रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा यहाँ कोठी पे, और मैं रहूँगा तो पापा नहीं रहेगा। मतलब आपके बड़े लड़के ने बोला कि भाई या तो मेरे पिताजी रहेंगे या मैं रहूँगा, एक रहेगा, दोनों नहीं। हाँ, तो फिर मैंने कहा, मैं कहा कोई बात नहीं, दो चार दिन में हो जाएगा। मैं फिर छोटे बेटे को छोटे बेटा बोला, बोला पापा अब बताओ आप। मैं कहा बेटा मैं दो चार दिन के लिए कहीं बाहर जाना चाहता हूँ, हरिद्वार वगैरह घूम आऊँ दो चार दिन के लिए। बोले आपको कुछ पैसे चाहिए? मैं कहा हाँ चाहिए मेरे को। तो बोला कितने पैसे चाहिए? मैं कहा दे दे 2-3 हज़ार रुपये दे दे। उसने मेरे को 5,000 रुपये दे दिए। बोले लो पापा 5-4 दिन वहाँ घूम फिर आओ, इतने इसके भी दिमाग से ये बात निकल जाएगी और आपके भी दिमाग से निकल जाएगी। बोला फिर मैं सारा सामान लूँगा आने के बाद। बस उसके बाद मैं आया, तो तकरीबन मैं कोठी पे गया जब भी, तो बड़ा बेटा मिला, क्योंकि उसकी माँ तो चली जाती स्कूल में और वो छोटा बेटा अपनी दुकान पे, तो वो बड़ा बेटा ही मिलता, वो गेट ही नहीं खोलता। मैं तो हाथ जोड़ के भी खड़ा रह के भी थक लिया रोड के ऊपर, अगर बेटा गेट तो खोल दे, मैंने सोना ही सोना आया है, और मगर 2 टाइम रोटी खाऊंगा तो 2-2.5 हज़ार रुपये मेरी पेंशन भी आएगी, ये भी आपको ही दे दूंगा मैं तो। मैं कहा इसमें कम से कम मेरी रोटी तो निकल जाएंगी। फिर भी मेरे को एंट्री नहीं निकलने देते वो। अब ये होता है भाई, ऐसी शमशान क्यों पैदा की? मेरे को ये अब होता था, अब तो मैं तो सिर्फ भगवान से एक ही चीज़ मांगता हूँ, आके मेरे को सिर्फ मौत दे दे, मैं तो एक मिनट भी जीना नहीं चाहता। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मैं एकदम मर जाऊँ। अगर मैं दुकान पे होता ना, मेरी क्लिनिक होती, तो मैं कुछ ना कुछ खा के ना मर ही जाता, क्योंकि इनको इनको तो मेरी लक्कड़ चाहिए, वो हड्डियाँ चाहिए फूकने के लिए, वो हड्डियाँ तो मैं कहीं भी मरूँगा तो वो हड्डियाँ तो इनको मिलेंगी। ये फूंक के राजी हो लेंगे। भगवान से नाराजगी है कोई? भगवान से तो कोई नाराजगी नहीं जी, ये तो अब हो गया, नहीं तो मेरे यहाँ तो भगवान ने तो कोई कमी छोड़ ही नहीं रखी थी। मैं लड़की मांगता रहा, लड़की मेरे को दी नहीं भगवान ने, बस ये कमी रखी थी मेरे लिए। लड़के भी हैं दोनों, एक अच्छी नौकरी लगा हुआ है, 25-25 लाख रुपये का पैकेज मिलेगा जैसे इसको ये कर्नाटक के, और अहमदाबाद भी ये रहा गुजरात में भी। तो आपने जिस टाइम पे घर तक निकाला, घर ने एंट्री निकलने दी, तो पुलिस में गए आप, प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास ये मेरे से पहले ना झूठी एप्लीकेशन लगा दे, पापा ना हमारे को गालियाँ बकता है, इनकी मम्मी की लेडीज की वजह से ना वो ये अनाज मंडी चौकी वाले इनकी ज्यादा सुनते। आपकी वाइफ बच्चों की साइड हो गई? हाँ, बच्चों की साइड होगी, क्योंकि मोहल्ले वालों ने उसको कहा ना कि भाई इसकी कोई इतनी गलती तो है नहीं, कभी कभार ठीक है ले लेते हैं, आजकल तकरीबन सारी दुनिया थोड़ी बहुत तो ले ही लेती है जी। ये लड़ाई झगड़े करते नहीं ना मोहल्ले में किसी चीज़ करते यार, ना घर में हमने सुना जी। तो फिर कम से कम इनको घर तो रहने दो। कहती है भाई मैं क्या करूँ अब, बेटा ये कहता है मैं बुढ़ापा मेरा भी शुरू हो गया, तो मैं तो मेरे को तो बेटों की जरूरत पड़ेगी अब, इनके साथ मैं कैसे बिताऊँगी अब। इसलिए आपकी वाइफ आपके बच्चों की तरफ हो गई? हाँ जी, ये तीनों एक तरफ हो गए। फिर तो आपने FIR दर्ज भी नहीं करवाई? FIR ये दोनों को हुई है दर्ज, यहाँ मेरा एक दोस्त है। कहाँ करवाई आपने दर्ज? यही हुई, यही राजमंडी चौकी में होगी। राजमंडी चौकी 80? हाँ, तो वो
उसने कराई थी, ये जसबीर सिंह एमसी है रंधावा। अच्छा, उन्होंने करवाई है? हाँ, तो उनको पता चला कि भाई हमारे फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मेरा एक दो दोस्त और भी था, एक वाका है वेंकट कालीराम सिसाए का। तो फिर प्रशासन की तरफ से आपकी कोई मदद नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं करवाई गई? मेरे पास तो अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया। और मैं अगर वो भी एडमिट रहा, अगर वो अभी चौकी हो गया, जो भी थाना था वहाँ के भी इंस्पेक्टर आए थे वहाँ पूछने के लिए। तो ये जब फोन मिलाते हैं मेरे घर में, तो मेरा बेटा छोटा एक भाई उठा के हेलो करके, फिर वो कहते ना भाई नरेश कुमार आपका बाप वो यहाँ एडमिट है। तो ये डॉक्टर को भी कहता तक भाई हम नहीं जानते इसको, हमारा कोई बाप नहीं है। तो वो उन्होंने मेरे को अननोन में डाल दिया अग्रोहा मेडिकल वाले ने भी। फिर मतलब कि अग्रोहा अस्पताल के अंदर जब नरेश डॉक्टर साहब एडमिट थे, और जब मतलब अस्पताल से इनके घर फोन गया तो उन्होंने बोला कि हम नहीं जानते कौन नरेश कुमार, तो इनको अननोन में डाल दिया गया, यानी कि इनके परिवार से इनकी बिल्कुल कट हो चुके हैं, ये अलग हो चुके हैं। और प्रशासन की तरफ से अनाज मंडी चौकी आसी के अंदर इनकी रिपोर्ट बता रहे हैं कि रिपोर्ट दर्ज करवाई गई होगी, लेकिन उनकी तरफ से इनको कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो प्रशासन से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, राशन कार्ड से मेरा नाम कटवा दिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स भी सारे छुपा लिए थे, मेरी पेंशन भी लेट हो गई इस चक्कर में। आपके डॉक्यूमेंट छुपा लिए गए? हाँ, मेरे आधार कार्ड और दसवीं की सर्टिफिकेट और जो मेरे सर्टिफिकेट थे ना सारे इन्होंने छुपा लिए, वोटर कार्ड वगैरह सब कुछ छुपा लिए। भाई ये पेन से भी ना बनवा सके अपनी, मतलब आपका गुजारा भी ना हो सके। हाँ, वो 55,000 छीनने के बाद तो ये ऐसे शेर बने ना आके, ये तो जैसे इसको नचाते रहे ना, ये बस कमाई कमाई डरता रहा। कमाई तो मैंने पहले भी सारी दी इनको, चाहे मैंने 20,000 भी रोज कमाए तो मैंने 200 रुपये भी नहीं खर्चे होंगे। आने जाने किराया तो बात दूसरी है, वो तो लगना ही था। बाकी मैं आके ना इनको दे देता, अगर ले भाई मैडम को दे देता, मगर ले सीमा ये पैसे तो रख ले तू, जरूर तो अपने खर्च लिए, नहीं तो घर पड़े रहेंगे। मतलब कि जिस पिता ने माँ की, आपने देखी पीछे वीडियो में, मतलब भाई कि माँ जो है वो अपने बच्चे पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवा रही, और पिता ने अगर करवानी चाहिए तो उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं, कार्रवाई की नहीं गई, तो ये सोचने वाली बात है। प्रशासन से भी मेरी यही मांग है कि प्लीज़ इस बारे में गौर करा जा, और जो नरेश कुमार जी डॉक्टर साहब हैं उनकी मदद की जा, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी पूरी पूंजी, अपनी जीवन, जिस घर को बनाने में, जिन बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में लगा दिए, आज वही बच्चे उनसे दूर हैं, उनसे अलग हैं, उनको अपनाना नहीं चाहते, तो ये समाज के ऊपर बड़ा प्रहार है कि भाई वो इनको अपने परिवार से मिलाएं, या फिर जो इनका हक है वो इनको दिलवा दें। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ भाई, अब हर पल हर रोज़ बस हरियाणा की खोज। सारे भैया राम राम।